ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवादेवीभ्यो नमः। सर, इस सीरीज 2023 कैसा रहेगा? लग्न फल क्या? राशि फल ऑलरेडी बना दिया हूं, लग्न फल के ऊपर फोकस किया हूं। तो लग्न फल में 2023 कैसा चलेगा उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। आज का वीडियो, ये कुंभ राशि का शतभिषा ऑलरेडी बना दिया हूं, ठीक है। और यहां पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र जो भी कुंभ राशि वाले हैं, क्योंकि यहां कुंभ राशि में तीन नक्षत्र है, ठीक है। तो कुंभ राशि का तीन नक्षत्र में जो आखिरी यहां पर, हालांकि उधर ज्यादा है, तो यहां मात्र एक पद है, ठीक है। यहाँ इसका तीन तीन छः और यहाँ एक, तो यहाँ स्वाभाविक ज्यादातर इधर आ जाएगा। सबको बोलता हूँ ऐसा चार्ट निकाल लीजिए ताकि आप लग्न फल को ज्यादा समझ सकें। तो यहाँ से शायद वो दूर हो रहा है, ये पास हो रहा है। यहाँ ये मकर राशि हो गया, कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस। एक्यूरियस का देखिए, यहाँ तीन पद कुंभ राशि में और मात्र इधर एक पद मीन राशि में। इधर तीन तीन ये चार चार आठ एक नौ पद इधर हो गया, क्लियर हो गया। और यहां से आप फिर काउंट कर लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा यहां। तो सीधा बात, सीधा मैं आता हूं यहां पर। इस नक्षत्र से हम लोग गिनेंगे गुरु का नक्षत्र और ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जन्म। तो यहां से आगे गुरु हैं तो आपको क्या मिल रहा है? गुरु का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद वालों को एक जन्म के बाद संपद, संपद नक्षत्र में है। संपद नक्षत्र बता दिया 25% नंबर या 25% शुभता एक के लिए, सबका पूरा मिलाएंगे, ज्यादा दिन तक रहेंगे। मार्च में जब यहां से जो रेवती में चले जाएंगे, फिर आपके लिए जन्म संपद विपद में जाएंगे। 2023 कुंभ राशि के आखिरी नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का बात कर रहा हूं। तो गुरु से पूरा साल अप टू ये, यहां जब रेवती को क्रॉस कर लेंगे, फिर आपको जन्म संपद विपद फिर खेमातारा में। तो यहां फिर काउंट कर लीजिएगा आगे। अभी साल का प्रारंभ में आपके लिए 25% शुभता। आपसे राहु का क्या स्थिति है देख लेते हैं। पूर्व भाद्रपद हमारा ये टारगेट जोन है, यहां से काउंट करेंगे आपका जन्म नक्षत्र, आपका कुंभ राशि वालों का। तो जन्म यहां रेवती, संपद उत्तर भाद्रपद, और फिर रेवती जन्म संपद विपद, फिर यहां क्षमा राहु भरणी में बैठा है प्रत्यारी, तो प्रत्यारी जोन पे आ गया एक क्रॉस माइनस मार्किंग। प्रत्यारी थोड़ा सा झंझट, थोड़ा सा झमेला, थोड़ा सा फोकस नहीं, थोड़ा डीफोकस। तो प्रत्यारी मीन्स, इसको तो बहुत लंबा समझाना पड़ेगा, प्रत्यारी को अलग मैं बनाऊंगा, एक एक शब्द का अलग अलग बना दूंगा। इतना समझो प्रत्यारी इज नॉट सो गुड, इट इज नॉट 100% बैड बट इट इज नॉट सो गुड। जैसे सोचो कि राहु आपका प्रत्यारी नक्षत्र में है या शनि प्रत्यारी में, तो शनि के जितने कारकत्व है, चाहे व्यक्ति द्रव्य वस्तु, या राहु का जितने कारकत्व है, व्यक्ति द्रव्य वस्तु घटनाएं अवघटनाएं समय काल, समय स्थान काल पात्र, समय स्थान काल, समय मीन्स काल, दरिज काल, समय, समय स्थान काल पात्र जो भी है, वो आपके लिए प्रत्यारी जोन पे आएगा। झमेला झंझट झगड़ा, बिना फालतू का टेंशन, बहसा बहसी, कोई अशांत कंडीशन, एक ऊंचा मतलब उथाल सा, उथल पुथल सा, नॉट सो क्लियर, इट इज अ हेजी कट जोन। उसके बाद राहु का चला गया, राहु के बाद स्वाति, राहु का नक्षत्र केतु, राहु का नक्षत्र में केतु बैठा है। तो फिर आप अपने, मैं आपका जानकारी के लिए गिना रहा हूं, नहीं तो मैं यहीं से फट से बोल सकता था, ठीक है। तो यहां ये जो राहु का भरणी नक्षत्र
आपका प्रत्यारी पड़ा, तो आपसे फिर गिनते हैं प्रत्यारी, क्षमा, विपद, सॉरी भरणी का ये भरणी नक्षत्र आपका प्रत्यारी जोन में पड़ा, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, मित्र अतिमित्र। तो किसका नक्षत्र है ये? राहु का नक्षत्र पे हम लोग जाएंगे। तो राहु का नक्षत्र क्या पड़ रहा है आपसे? ये भरणी आपके लिए प्रत्यारी तारा में पड़ा, तो प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र अतिमित्र। केतु क्या दे रहा है आपको? अतिमित्र। बढ़िया है, डोंट वरी। यानी केतु जनित जितने भी कारकत्व है कुंभ राशि के, यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए केतु से आपको अतिमित्र, सॉलिड सक्सेस, सॉलिड सफलता। केतु जन जितने भी लोग हैं, दुर्बुद्धि वाले, थोड़ा सा दिमाग विहीन लोग, या पॉइंटेड चीज, या केतु माने सासु, केतु मीन्स पॉइंटेड चीज, केतु मीन्स ध्वजा, केतु मीन्स भेड़ा और कुत्ता, केतु मीन्स जितने, अभी वो मेरा केतु का वीडियो है, देख लेना, केतु का सारा डिटेल दे दिया हूं। तो जिंदगी में जितने केतु चीज है या केतु अफेक्टेड चीज है, आपसे अतिमित्रता मिलेगा, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सुखता मिलेगा, सुभता मिलेगा। तो कुंभ राशि के गुरु राहु और केतु 2023 अप टू नवंबर राहु केतु रहेंगे, एक नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो थोड़ा सा उसमें नक्षत्र जो आपके लिए यहां प्रत्यारी जोन में थे तो ये क्षमा जोन पे आ जाएंगे, ये अतिमित्र जोन पे हैं तो केतु जब जब इधर आ जाएंगे तो मित्र जोन पे आएंगे, तो बुरा तो कहीं नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। क्षमा का बात करूं तो जो भी कोई आपसे मिस्टेक होगा, और इस प्रकार के लेवल पे मिस्टेक भी होगा और क्षमा भी मिल जाएगा, लेकिन क्षमा अर्थ ये नहीं है जो अभी मैं बोल रहा हूं, वो भी उसका मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल कर दूंगा। मैं केवल आपका समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 2023 में आपको किस प्रकार का ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा, कैसा चलेगा। राशि फल का ऑलरेडी बता दिया हूं, ये नक्षत्र के अनुसार बेसिक लेवल का बात कर रहा हूं, आगे टाइम मिलेगा तो फिर एलाबोरेट करूंगा। नेक्स्ट, शनि कैसा चल रहा है? मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल का नक्षत्र यहां आपका मृगशिरा, चित्रा और चित्रा और धनिष्ठा, तो मृगशिरा नक्षत्र यहां पर है। तो हम लोग यहां गिनते हुए मृग नक्षत्र पे जाएं, या यहां से गिन के आपके उत्तर पूर्व दैट इज यू नो द नक्षत्र ऑफ गुरु इज पूर्व भाद्रपदा, तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गिनते हुए हम लोग ये मंगल का मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर पहुंचेंगे, या फिर इस धनिष्ठा नक्षत्र पे आएंगे तो सेम आएगा, रिजल्ट समान आएगा। तो क्या होता है, जन्म नक्षत्र, जन्म, जन्म के बाद संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, रोहिणी बाधक, मृगशिरा मित्र। शनि क्या दे रहे हैं आपको? मित्रता दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले कैसे कहोगे कि आपका साढ़े साथी बुरा फल मिलने वाला है, क्योंकि शनि आपके लिए अब मित्र बन के बैठे हैं, तो कैसे आपको दंड दे देंगे, कैसे आपको कष्ट देंगे? अभी नहीं देंगे। तो कुंभ राशि वालों का यहां साढ़े साथी का रिजल्ट, शनि से जो डर रहे थे वो डरने का आवश्यकता नहीं है, मित्र जोन में कोई दिखा रहा है। हां, आप उसको उल्टा गिनोगे तो फिर देख लो क्या फल आएगा। क्लियर? तो ये कुंभ राशि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, कुंभ राशि में है, आपके लिए 2023 का अप्रैल महीना तक शनि और मार्च तक गुरु, और उसके बाद नक्षत्र चेंज कर लेंगे, और राहु केतु से आपको पॉजिटिव और उत्तम फल मिल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा ओरिड होने का, साढ़े साथी का भय, पैनिक, फोबिया, मेंटल टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनर धरातल ऊर्जा ही आपके लिए पॉजिटिव चल रहा है। नेगेटिव जोन अप्रैल के बाद बाद आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि शनि आपका मित्र तारा में 25 नंबर पे आ रहे, फिर अतिमित्र जोन पे आ जाएंगे तो बढ़िया चलेगा। फिर सर ये बुरा कब आने वाला है? अरे यार, बुरा तो तुम्हारे दिमाग में भरे हैं, वो राशि से मिलेगा बुरा, लेकिन अगर नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है फिर राशि में बहुत ज्यादा होने से मानसिक समस्या दे सकता है, लेकिन ऑन जनरल एनर्जी आपका
सुइटेबल रहेगा, इसलिए उठो काम करो, सोए के पड़े के मत रहो, ऐसा हो गया तैसा हो गया, जो चला गया वो चला गया, जो भाग गया वो भाग गया, जाते पल तो चल दिए आने वाला दूर, यह फल यह खण सामने कर प्रयोग भरपूर। समय का उपयोग करें, काम करें, शनि कर्म का देवता है, शनि कर्म कराते हैं, कर्म नहीं करते हो तभी ठुकाई होता है। क्लियर हो गया, और ज्यादा बात नहीं, फिर भी कंफ्यूज हुआ डाउट हुआ मेरे को करिए, और ये जो मकर राशि का एक घंटा का भी बनाया हूं डाउट क्लियर, उसमें आपका भी डाउट क्लियर है, देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कुंडली विश्लेषण 9437580589, किसी भी प्रकार का सहायता 9437580589 पे फोन, और व्हाट्सएप के ऊपर ही हेडिंग में वो लगा दिया हूं जिसमें आप वो कोड वगैरह है, आप उसमें भी भुगतान कर सकते हो। कुंडली विश्लेषण वाले ऑन क्यू एक के बाद एक कराऊंगा, हड़बड़ी मेरे से नहीं हो पाता है, ऑलरेडी पीछे से क्यू में चल रहे हैं, आपका नंबर आएगा, ईमानदारी से आपका काम करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन प्लीज। नमस्कार।